नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं सौंफ के फायदे और नुकसान के बारे में। सौंफ एक सुगंधित और स्वादिष्ट जड़ी बूटी है जिसमें कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं। अगर यह अभी आपके रसोई घर में नहीं है तो इस हमारे वीओ को सुनने के बाद आप तुरंत खरीदना चाहेंगे। जी हाँ, एक सांस फ्रेशनर के रूप में इसके लोकप्रिय उपयोग के अतिरिक्त इससे कई बीमारियों को राहत देने में मदद मिलती है। इसमें भूख बढ़ाने वाले वायुनाशी, एंटी स्पास्मोडिक, एंटी इन्फ्लेमेंट्री, रोगाणुरोधी, कफ निस्सारक, मूत्रवर्धक, डिप्रेरेटिव, एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यह आपके स्वास्थ्य का एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। इसीलिए आप देखते होंगे, आप जाते होंगे तो कई होटलों में भी या कहीं भी खाना खाते होंगे तो बाहर सौंफ रखी होती है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहद मजबूत करती है। इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीज, लोहा, फोलेट, फाइबर भी शामिल होता है। यह फाइटोन्यूट्रिएंट्स में भी समृद्ध है और इसमें वाष्पशील तत्वों की उच्च मात्रा होती है। इसीलिए आइए आज हम सभी जानते हैं कि सौंफ के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले हमने बताया आपको कि ये पाचन में मदद करती है, लेकिन अब आइए जानते हैं और किन किन चीज़ों में ये लाभकारी होती है। इसके अलावा पाचन में हम जानते हैं विस्तार से थोड़ा सा कि किस प्रकार से आपके पाचन में ये मदद करती है। सौंफ के बीज अपच, सूजन, उदर स्फीति यानी कि पेट का फूलना, कब्ज, शूल, आंत्र, गैस, एसिडिटी जैसी पाचन समस्याओं से लड़ने के लिए बेहद फायदेमंद होती है। यह जड़ी बूटी पाचन शक्ति को उत्तेजित तो करती ही है, परंतु यह साथ ही में पाचन तंत्र को शांत और गैस के गठन को रोकती है। इसके अलावा यह विकिरण या कीमोथेरेपी उपचार के बाद पाचन तंत्र के पुनर्निर्माण में भी मदद कर सकती है। भोजन करने के बाद सौंफ के बीज का एक चम्मच चबाने से पाचन में मदद मिलने के साथ साथ पेट में दर्द और सूजन से भी राहत मिल जाती है। अपच से पीड़ित होने पर आप सौंफ की चाय पी सकते हैं या डेढ़ चम्मच सौंफ के पाउडर का सेवन पानी के साथ दिन में दो बार कर सकते हैं। इसके अलावा ये मुंह के दुर्गंध को भी गायब करती है। भोजन करने के पश्चात यदि आप मुँह से आने वाली बदबू से चिंतित हैं, परेशान हैं, तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सौंफ के प्रयोग से आप अपनी चिंता से छुटकारा पा सकते हैं। आपको बस खाना खाने के पश्चात इतना करना है कि सौंफ के कुछ एक सुगंधित बीजों को चबा चबा करके खा लेना है। ऐसे रोगाणु से लड़ते हैं जो खराब सांस पैदा करते हैं। इसकी जीवाणुरोधी और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पीड़ादायक मसूड़ों को शांत करने में सहायक हैं। सौंफ के बीज को चबाने के अलावा आप सौंफ से बनी हुई चाय को ठंडा करके कुल्ला कर सकते हैं, इससे भी आपके मुंह की दुर्गंध चली जाएगी। इसके अलावा सौंफ की चाय है पानी प्रतिधारण से राहत दिलाने में लाभकारी। जी हाँ, क्योंकि सौंफ एक मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करता है। नियमित आधार पर सौंफ की चाय पीने से शरीर के अतिरिक्त तरल पदार्थ को फ्लश किया जा सकता है। द्रव प्रतिधारण के कारण सूजी हुई आँखों की सूजन कम करने के लिए आप अपने आँखों के नीचे सौंफ की कड़क चाय लगा सकते हैं। इसमें डिएफोरेटिक गुण होते हैं जो पसीने को उत्तेजित करते हैं। जल प्रतिधारण को रोकने और राहत दिलाने के अलावा सौंफ विषाक्त पदार्थों को हटाने में भी मदद करता है और मूत्र पथ समस्याओं के जोखिम को कम करता है। इसके अलावा यह आपके वजन को कम करने में भी बेहद लाभकारी होता है। सौंफ मोटापे का मुकाबला करने के लिए एक उत्कृष्ट आहार है, क्योंकि यह भूख को कम कर देता है जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे हम जरूरत से ज़्यादा खाना खाने से बच जाते हैं। ताज़ा सौंफ के बीज एक प्राकृतिक वसा नाशक हैं। यह चयापचय को उत्तेजित करते हैं और वसा के पाचन को बढ़ावा देती है। इसके अलावा एक मूत्रवर्धक होने के नाते सौंफ पानी के अवधारणा को कम करने में मदद करता है, जो अस्थायी वजन का एक सामान्य कारण है। इस जड़ी बूटी की सहायता से वजन घटाने का एक आसान तरीका है, सौंफ के बीज को भूनने के बाद उसे पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर का आधा चम्मच का सेवन दो बार दिन में
करना है आपको गर्म पानी के साथ। सौंफ के औषधीय गुण इतने अच्छे होते हैं दोस्तों कि ये आपके कैंसर के रोग का भी इलाज करने में मददगार होते हैं। सौंफ कोलोन कैंसर के विकास के जोखिम को कम करने में अत्यंत मददगार है, क्योंकि यह बृहदान्त्र से कैंसर जनित विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करता है। इसके अलावा इस जड़ी बूटी में एनेथोल नामक एक उत्तम एंटी इन्फ्लेमेटरी फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जो शरीर पर कैंसर विरोधी प्रभाव डालते हैं। टेक्सास विश्वविद्यालय में 2012 के एक अध्ययन में पाया गया कि यह फाइटोन्यूट्रिएंट्स ब्रेस्ट कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोक सकता है। इस जड़ी बूटी में मौजूद कैरस्टीन और लेमोनिन जैसे अन्य फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, जो एंटी कार्सिनोजेनिक प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। सौंफ के बीज के लाभ आपको मासिक धर्म के दर्द से भी राहत दिलाने के लिए जाने जाते हैं, या कहें काम में आते हैं। तनाव और खराब आहार सहित कई कारक एक महिला के नियमित मासिक धर्म चक्र को बाधित कर सकते हैं। सौंफ के बीज में एमेनागोगे गुण पाए जाते हैं, जो मासिक धर्म के प्रवाह को बढ़ावा और विनियमित करते हैं। इसमें फ्योटोस्ट्रोजन भी निहित है, जो पूर्व मासिक सिंड्रोम, रजोनिवृत्ति संबंधी विकार और स्तन वृद्धि जैसी समस्याओं से लड़ने में महिलाओं की सहायता करते हैं। ईरान में मेडिकल साइंस और स्वास्थ्य सेवाओं के बाबुल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक 2012 के अध्ययन से यह पता चला कि सौंफ डिसमेनोरेहाल या दर्दनाक महावरी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। मासिक धर्म के लिए लाभों के अतिरिक्त नैसर्गिक माताओं में लैक्टेशन को बढ़ावा देने के लिए सौंफ का परंपरागत रूप से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में कामेच्छा को बढ़ाने के लिए एक कामोत्तेजक के रूप में भी कार्य करता है। सौंफ का प्रयोग करें श्वसन समस्याओं का जड़ से नाश। जी हाँ, सौंफ में कफ को दूर करने वाले गुण होते हैं, जो खांसी, सर्दी, फ्लू और साइनस कंजेक्शन जैसे श्वसन तंत्र में संक्रमण से राहत दिलाने में मददगार हैं। उदाहरण के लिए, जब आप खांसी और गले के शोथ से पीड़ित हो जाते हैं तो आप दिन में 2 या 3 बार सौंफ की चाय पी सकते हैं, या फिर आप 1 कप पानी में 2 बड़े चम्मच सौंफ के बीज को तब तक उबालें जब तक आधा पानी भाप बनकर उड़ न जाए। इस घोल को छान लें और इसकी मदद से कुल्ला करें, आपको तुरंत लाभ नजर आएगा। सौंफ खाने के फायदे ये भी हैं, एक बेहद ही महत्वपूर्ण दोस्तों, कि ये आपके हृदय संबंधी समस्याओं को दूर रखता है आपसे। सौंफ दिल का दौरा या फिर स्ट्रोक के होने के खतरे को कम कर सकता है। यह पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है, जो उच्च रक्तचाप के साथ साथ फोलेट को भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा कच्चे सौंफ की जड़ आहार फाइबर में समृद्ध होती है, जो कोलेस्ट्रॉल निर्माण को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें विटामिन सी भी शामिल है, जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और फ्री रेडिकल गतिविधि को बाधित करके हृदय रोग को रोकता है। सौंफ और मिश्री के फायदे हैं नेत्र स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी। दिल्ली के एक साइंस संस्थान में रिसर्च करके शोधकर्ताओं ने अन्वेषण में पाया कि सौंफ आँखों के दबाव को कम करने और रक्त वाहिकाओं के फैलाव को बढ़ा देने में मदद कर सकता है। इस प्रकार यह मोतियाबिंद एक दृष्टि हानिकारक बीमारी को रोकने या उसके इलाज में भी मददगार साबित हो सकता है। हालांकि इस संबंध में आगे शोध और मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसके अलावा शिवाजी विश्वविद्यालय में बायोकेमिस्ट्री विभाग के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक भारतीय अध्ययन से पता चला है कि सौंफ के बीज में एक यौगिक यानी कि ट्रांस एनेथोल होता है, जो मधुमेह रोगों में दृष्टि हानि से जुड़े रेटिनोपैथी को रोक सकता है। आप सौंफ के इन लाभों का आनंद रोजाना इसकी चाय पीकर ले सकते हैं। इसके अलावा सौंफ के 1.5 चम्मच बीज को 1 कप पानी में तब तक उबाल सकते हैं जब तक आधा पानी न बचे कप में, यानी कि आधा पानी उड़ जाए आधा बच जाए। इस घोल को छानने के पश्चात ठंडा होने दें और फिर आँखों में तनाव या जलन से राहत पाने के लिए आई ड्रॉप की तरह इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सौंफ को पीस कर पाउडर बना लें। यह पाउडर 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच पीसी हुई मिश्री मिलाकर दूध के साथ रात को सोते समय लें। नियमित रूप से कुछ समय तक लेने से नेत्र ज्योति तीव्र हो जाती है।
इसके अलावा सौंफ का पानी पीने के फायदे हैं मस्तिष्क के लिए भी बेहद उपयोगी। सौंफ एक उत्कृष्ट मस्तिष्क बूस्टर के रूप में कार्य करता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि सौंफ के बीज संज्ञानात्मक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सौंफ में पोटेशियम का एक उच्च स्तर होता है जो पूरे शरीर में विद्युत चालन को प्रोत्साहित करता है, स्वास्थ्य मस्तिष्क की कार्यशीलता को बढ़ावा देता है और संज्ञानात्मक क्षमता में अपना वृहत योगदान देता है। इसके अलावा सौंफ का रस वैसाडिलेटर के रूप में कार्य करता है और मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। यह अवसाद यानी कि डिप्रेशन से राहत दिलाने में और जड़ बुद्धिता एक प्रकार के उन्माद की शुरुआत में देरी करने में भी सहायक है। सौंफ के फायदे तो हमने आपको बता दिए दोस्तों, लेकिन आइए इसके कुछ एक नुकसान के बारे में जानते हैं कि आप ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं या कुछ एक बीमारियों की हालत में आप इनका सेवन करते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। सौंफ का इस्तेमाल करने से पूर्व आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि यदि सौंफ में बीमारियों से लड़ने के लिए स्वास्थ्य लाभों का खजाना छुपा हुआ है तो इसी सौंफ में स्वास्थ्य के लिए कुछ दुष्प्रभावों का भी समावेश है, जिसमें से कुछ मुख्य दुष्प्रभाव हम आपको बता रहे हैं। सौंफ के बीज फोटोडर्माटाइटिस का कारण बन सकते हैं। फोटोडर्माटाइटिस विकार में आपकी त्वचा पर सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर रैशेज हो जाते हैं। सौंफ का सेवन करने से आपको छींक एवं पेट दर्द जैसे एलर्जी के लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी कई रिपोर्ट में यह पाया गया है कि सौंफ के बीज स्तन कैंसर का एक कारण बन सकते हैं। स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए इसका सेवन उचित नहीं माना जाता है। दुग्ध लवण अवधि में सौंफ का सेवन करने से महिला में अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक बहुत ही पुरानी कहावत है जो आज भी लागू होती है, अच्छी चीज का भी अत्यधिक उपयोग विषाक्त हो सकता है। अतः सौंफ के बीज के असंख्य स्वास्थ्य लाभ होने के बावजूद इसमें इसका सेवन सीमा में रहकर ही करना चाहिए, नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए जो कि सौंफ के फायदों से रिलेटेड थी। अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।